नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनय ढांडनिया है और मैं रांची झारखंड से आया हूँ। सभी लोग ये जानते हैं डायबिटीज से किडनी खराब होता है, डायबिटीज से आँख खराब होता है, डायबिटीज से हार्ट खराब होता है, लेकिन डायबिटीज़ और लिवर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी ये देखा जा रहा है कि हमारा जो लिवर है अल्कोहल से कम और डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक डिजीज़ से ज़्यादा खराब हो रहा है। और जिसको हम लोग अगर बहुत समय से समझ पाते हैं तो उसको हम लोग बचा सकते हैं और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और लिवर के डिजीज़ को भी बचाया जा सकता है। अन्यथा ये लिवर की बीमारी जिसको हम लोग NAFLD बोलते हैं, NASH बोलते हैं, एंड देन फॉलोड बाय सिरोसिस ऑफ लिवर, कैन इवन प्रोग्रेस टू हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक अप NAFLD अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीज। एंड लेट मी टेल यू, आजकल बच्चों में ये NAFLD जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बहुत देखा जा रहा है, और ये बच्चे को अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये आगे जाके डायबिटिक भी हो जाते हैं और आगे जाके इनको NAFLD वाले कॉम्प्लिकेशंस भी होने लग जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओबेसिटी या ओवरवेट पेशेंट्स को अगर आप देखें तो उनमें NAFLD का जरूर ध्यान रखें, इवैल्यूएट करें और उसको इंटेंसिवली ट्रीट करें। उसको लाइटली ट्रीट ना करें कि कुछ नहीं है, थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है, उसको बहुत केयर करने की ज़रूरत है और इससे हम बहुत सारी परेशानियों को बचा सकते हैं। और NAFLD वाले जो पेशेंट्स होते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, उनका हार्ट डिजीज़ से मॉर्टेलिटी होना बहुत कॉमन है और उसके बाद उनको सिरोसिस होना भी अनकॉमन नहीं है और उनको आगे जाके लिवर सेल फेलियर होना भी अनकॉमन नहीं है, और ये तीनों बचाया जा सकता है। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी नीड टू इवैल्यूएट एंड ट्रीट NAFLD एज अर्ली एज पॉसिबल इन द कोर्स ऑफ डिजीज। थैंक यू, नमस्कार।